गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और अभी मैं बस नहा कर आई हूँ क्योंकि आज गुरुवार है, तो फटाफट से पूजा करनी है, तो पूजा की तैयारी कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले हम केले के पेड़ की पूजा करने जाएंगे और वहाँ मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ वहाँ का नज़ारा। हम पूजा करके आते हैं अभी। तो हम पूजा करके आ चुके हैं और किचन में हमने एंट्री कर ली है और अभी हम बना रहे हैं नाश्ते में पराठा और टमाटर की चटनी बनाएंगे। हमने आपको गुरुवार जो किले के पेड़ की पूजा होती है वो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कीचड़ है और सुबह से ही बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ख़राब है। तो क्योंकि मैंने वहाँ पे कीचड़ से मेरे पूरे पैर में जूते जैसे पहन लिए थे, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ था, तो मोबाइल लेकर के जाती तो मोबाइल भी ख़राब हो जाता और मेरा मोबाइल भी जूते पहन लेता। इससे अच्छा मैं सोचा अपने आप को संभाल लूँ, यही बहुत है। तो नेक्स्ट बार की वीडियो में आपको बाहर की पूजा दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जो पराठा बनाया है वो गौ माता के लिए निकाला है। तो खाने में चाहे रोटी हो, पराठा हो, पूरी हो, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। तो पराठे बनाने के बाद टमाटर की चटनी बना रहे हैं। तो मेरी टमाटर की चटनी और पराठे रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पूजा घर, पूजा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम पूजा करेंगे। तो अभी हम पूजा करने के बाद भगवान की पूजा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ देखिए नीचे जहाँ भगवान जी की पूजा करनी है वहाँ हम सबसे पहले स्थान को पवित्र करेंगे, गाजर का छिड़काव करेंगे और फिर इसके बाद सातिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे भगवान की पूजा की तैयारी हो चुकी है। बृहस्पति देव की पूजा करेंगे अभी। ओम कलसाय नमो नमः, ओम कलसाय नमो नमः, ओम गौरी गणेशाय नमो नमः, ओम गौरी गणेशाय नमो नमः, ओम बृहस्पते नमो नमः, ओम बृहस्पते नमो नमः। भगवान को स्नान कराने के बाद पीले चंदन लगाएंगे भगवान को और चने की दाल चढ़ाएंगे। भगवान को चावल नहीं चढ़ाया जाता है बृहस्पति देव को, कीड़े के समान माना जाता है क्योंकि विष्णु भगवान को पीला चंदन, पीला फूल, पीले फल, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद लगता है और मुनक्का। और इसके बाद कथा करेंगे, आरती करेंगे, हवन करेंगे, धूप अर्पित करेंगे पुष्प के बाद। क्योंकि मैंने आपको पूरी पूजा नहीं दिखाई है विस्तार से, और अभी कथा करेंगे। बृहस्पति बार को जो स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे क्योंकि बृहदेश्वर भगवान इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे परंतु नमक नहीं खावे और पीले ही वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करे और पीले चंदन का पूजन करे। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज जी की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन पुत्र विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, परिवार को सुख शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है और अति फलदायक है, सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए तथा कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव की प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य ही पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता। कथा के बाद आरती करेंगे और फिर हवन करेंगे।
हवन के पश्चात किचन में प्रवेश करेंगे और फिर किचन का काम देखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि खाने की जल्दी है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। तो कल मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी मैं दाल बना रही हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनाना है। कल मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। राधे राधे, जय माता दी।